डिव मॉड फंक्शन बेसिकली हमको क्वाशियंट एंड रिमाइंडर दोनों रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ टपल. इट विल गिव अस क्वाशियंट एंड रिमाइंडर इन अ टपल. अब देखिए कैसे ये काम करेगा या किस सिचुएशन में हमें इसका यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो नंबर है और हमें एक नंबर से दूसरे को डिवाइड करके क्वेशियंट और रिमाइंडर दोनों चाहिए. जैसे कि हमें 10 डिवाइड बाय 3 परफॉर्म करना है और हमको क्वेशियंट भी चाहिए, मतलब 10 को 3 से डिवाइड करने पे क्वेशियंट क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है वो चाहिए, और रिमाइंडर क्या बच रहा है वो चाहिए. तो इसको आप कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लेट्स से क्यू इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 3. तो ये हमें क्या दे देगा, बेसिकली इट विल गिव अस द क्वेशियंट. ये हमें दे देगा क्वेशियंट. एंड सेम अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम रिमाइंडर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे r इज इक्वल टू 10 मॉड बाय 3. 10 मॉड बाय 3. तो ये हमें बेसिकली क्या देगा, रिमाइंडर देगा. अब ये जो चीज है हमारे पास में, ये दो ऑपरेशंस को आप चाहें तो एक सिंपल फंक्शन का यूज करके इसे हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं और वो फंक्शन है डिव मॉड. जैसे अगर यही सेम काम करना है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल टू डिव मॉड 10, 3. अब इस फंक्शन का आंसर जो आएगा या ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो होगा एक टपल. उस टपल की पहली वैल्यू आपके पास में होगी 10 डिवाइड बाय 3 का क्वोशिएंट और जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 3 का रिमाइंडर. जैसे अगर इसे हम यहां प्रिंट करते हैं तो यहां पर इसका आंसर आ रहा है 3, 1. अब ये 3, 1 क्यों है, 10 डिवाइड बाय 3 आप करेंगे तो आपको क्वोशिएंट मिलेगा 3. दैट्स व्हाई इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 3. ठीक, सेम आप अगर 10 मॉड बाय 3 करेंगे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए तो इसका रिमाइंडर आएगा 1 और यहां पर आप इसकी जो सेकंड वैल्यू है ये है 1. तो जब भी आपको लेट्स से क्वेशियंट रिमाइंडर दोनों चाहिए तो आप डायरेक्टली डिव मोड फंक्शन का यूज कर सकते हैं और डिव मोड फंक्शन आपको दोनों चीजें एक सिंगल टपल में रिटर्न करेगा. पहली वैल्यू होगी क्वेशियंट, दूसरी वैल्यू होगी रिमाइंडर. ओके, तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.